डूब रहा हूं। मैं कल ही इंटरव्यू देते वक्त अपने पत्रकारों सहपाठियों से मैं बताया था कि मेरे साथ धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते गोल लगातनी समाचार बटुए डुमराव से बड़ा खबर आ रहा बटुए, ब्रेकिंग खबर आ रहा बटुए, चुनाव के प्रत्याशी के भाई के साथे भइल अभद्रता, रिलेशन में पैर टूटल रहे, जात समय पुरनका भोजपुर में भइल घटनाक्रम, थाना में गाड़ी स्कॉर्पियो के पुलिस को ले ले बिया जब्त, खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, चेयरमैन प्रत्याशी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। पेज पर नया बानी तो फॉलो कली, चैनल पर बानी तो सब्सक्राइब कली। जी हाँ, मंजू देवी के पति श्याम जी प्रसाद बतावतानी कि यहाँ के भाई जौन बाणे राम जी प्रसाद, इनका रिलेशन में पुरनका भोजपुर में एक आदमी के पैर टूट गई, अचानक से जैसे तैसे कह के सरकार के चुनाव आयोग के भी पालन करत बैनर पोस्टर के चपोत के गाड़ी के अंदर धो दिया लोग। पुरनका भोजपुर जात रहे लोग, तब तक 10-12 के संख्या में कुछ लोग आके गाली गलौज अभद्रता करे लागल। यही प्रत्याशी प्रतिनिधि चेयरमैन के जौन बानी श्याम जी प्रसाद कहले बानी कि हम पहले ही मीडिया के आगाह कैले रही कि धन बल आ बाहुबल के प्रयोग होई, जेकर ताजा उदाहरण लाइव वीडियो भोजपुरिया समाचार सीधा तस्वीर देखा रहल बा। कौना तरीका से बंद गाड़ी बिया, लेकिन वो गाड़ी के खोल के बैनर के जौन पीछे लागल रहे, ये लोग चुनाव आचार संहिता के पालन करत अंदर कर दिले रहे लोग, लेकिन एकरा बावजूद 10-12 के संख्या में लड़का गाड़ी के रोक के थाना के फोन कोई लोग, लगभग आधा घंटा तक गाड़ी के रोके रखल लोग, आधा घंटा बाद थाना आई गाड़ी के जब्त कर ले बिया भोजपुर पुलिस, नया भोजपुर के पुलिस, थाना के पुलिस। तो इनकर बयान सुनी का कहत रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये बटुए कि यह तरीका से चुनाव में कौन खेल चलत बड़ुए, कौना तरीका से चुनाव के षड्यंत्र रचत बड़ू जात बड़ुए, इरोरा सामने दृश्य दिख रहा बटुए। बताई बेचारे के रिलेशन के वो पैर टूट गए, जैसे तैसे देख सकीला गाड़ी के अंदर गंजिए पर चल दिले बालो कि चल के हु अपन के पैर टूटल बटुए। बयान सुनी। मैं श्याम जी प्रसाद, पति श्रीमती मंजू देवी, प्रत्याशी डुबराव नगर परिषद डुबराव। मैं कल ही इंटरव्यू देते वक्त अपने पत्रकारों सहपाठियों से मैं बताया था कि मेरे साथ धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते हुए हमें बहुत ही तंग किया जाएगा। आज पुराने भोजपुर में एक रिलेटिव का पैर टूटा था, जिसको देखने के लिए मेरे बड़े भैया गए थे। वहां पर गाड़ी देखकर अजीत चौधरी के गुंडों द्वारा गाली गलौज अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। उस गाड़ी में मेरे भाई के पास न पैसा था और न ही कुछ था, और अफवाह फैलाई गई कि इनके पास पैसा है, पैसा बांटने के लिए आया है, और अपने रसूख का प्रयोग करते हुए पूर्व मंत्री अजीत चौधरी ने मेरे गाड़ी को जब्त करवाया। अतः मैं पुनः